उस जनरल बारहवीं क्षेत्र में 12 राशिस रहता है। तो एक 12 राशिस आदमी के बारे में क्या बताता है, ये पहले जानकारी कर लीजिए। पहले राशि बोलते हैं तन भाव, शरीर के भाव, मन के बारे में, सोच विचार के बारे में, थॉट्स, प्लान्स, डिजाइनिंग, प्लानिंग, प्रोग्राम, सब पहले भाव होता है। दूसरे भाव होता है धन, मीन्स अपना किस तरह के धन कमाते हैं, किस तरह के विज्ञा पाते हैं, कुटुंब फैमिली को किस तरह देखना और अपना ज्ञान क्या है, ये सब दूसरे भाव बताता है। तीसरे भाव होता है अपने भाई बहनों उनसे किस तरह रहते हैं, उसके सपोर्ट किस तरह रहता है, तीसरे भाव होता है। जितना डायनेमिक द मोर डायनेमिक मोर सक्सेस आदमी लोग रहते हैं वो तीसरे भाव बताता है। फोर्थ हाउस सेल्फ सपोर्ट, या घर, दौलत, माँ का किस तरह इज्जत करना, माँ की आशीर्वाद किस तरह रहता है, ये सब चौथी फोर्थ भाव में मालूम होता है। फिफ्थ भाव में अपने को मालूम होता है अपने बच्चों के बारे में, जैसे अपने बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, किस तरह के बच्चे हैं, उसका ज्ञान कैसे रहता है, उससे अपने को मोक्ष किस तरह मिलता है, ये फिफ्थ हाउस सेल्फ सपोर्ट का काम। एंड सिक्स्थ हाउस सेल्फ सपोर्ट है हेल्थ, अपने लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बताया ना, वो सिक्स हाउस देखना बताते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे आदमी को बिना टच होते हैं, मतलब अभी यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे, लेकिन विदाउट टचिंग एनी पर्सन विथ सिक्स हाउस में कहता है अबाउट उनका कुंडली में किस तरह के हेल्थ इश्यूज आने वाले दिनों में। सेवंथ हाउस टेल्स अबाउट द लाइफ पार्टनर, दैट इज नथिंग बट वाइफ। अब यहाँ तो लेडीज ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेवंथ हाउस में जो एस्पेक्ट है पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर है, सही पार्टनर आए तो एट हाउस में उसका आयुष बढ़ जाती है। बोलते हैं ना दोनों मिलने से लक खराब होता है बोलते, तो शादी करने के बाद क्या होता है, इसका योग स्टार्ट होता है किसी आदमी का, हर किसी को लाइफ पार्टनर आने के बाद योग स्टार्ट होता है। लाइफ पार्टनर आने के बाद अपने कितना मालूम हो जाता है कि उसका आयुष कैसे है, लॉन्गविटी कैसे है, जिंदगी में क्या कर सकते हैं, इस सेवंथ एस्पेक्ट से एक एक पॉइंट मालूम होते जाता है। और नाइन्थ हाउस आपका लक कितना है मालूम होता है। तो शादी पहले होना, शादी के बाद एट हाउस में अपना आयुष कितना लॉन्गविटी है मालूम होता है, नाइन्थ हाउस में उस शादी के बाद कितना लक फेवर होता है ये मालूम होता है, अपने का फेवर कितना, भाग्यस्थान बोलते हैं नाइन्थ हाउस, तो अपना भाग्य कैसे रहता है, भाग्य में कितना ऊंच देवे जा सकते हैं, नाइन्थ हाउस देखकर हम बता सकते हैं भाग्य कैसा है, उसके हिसाब से राज्य को देते टेंथ हाउस। अब बोलते हैं व्यवसाय क्षेत्र बोलते हैं ना टेंथ हाउस, आपको हिंदी ठीक से नहीं आता फिर हम बोलने की कोशिश करेंगे। टेंथ हाउस टेल्स अबाउट योर फॉर्चून, अबाउट योर लक, अबाउट योर प्रोफेशन, किस तरह की कामयाबी होंगे, कितना ऊंच में जाएंगे, किस तरह की तरक्की होगी आपका, और अचीवमेंट स्कोर सब टेंथ हाउस बताता है। उसके बाद इलेवंथ हाउस बोलेगा आपको प्रॉफिट्स, मतलब नाइन्थ हाउस आपको बोलेगा लक, टेंथ हाउस किस तरह के प्रोफेशन करेंगे बोलेगा, और इलेवंथ हाउस बोलेगा उस प्रोफेशन में आपको कितना प्रॉफिट मिलता है। जितना स्प्रेड करते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना टर्नओवर करते हो नहीं, अल्टीमेटली बिजनेस शुड बी डील शुड बी क्लोज, वो कितना क्लोज करेंगे कितना प्रॉफिट होता है आपके लाइफ में, ये इलेवंथ हाउस आपको बताता है। और ट्वेल्थ हाउस बताया आप कितना खर्च करते हैं जिंदगी में। लाइक दिस ट्वेल्व हाउसेस एस्ट्रोलॉजी में बताता है, जैसे आप बिजनेस की बात करें बिजनेस के टर्म्स में बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सेवंथ हाउस शादी के बाद ये पूरा लक्स फेवर होता है, तो यहाँ शादी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ ऑल के अलोन आई थिंक वाइफ एंड हस्बैंड से कोई प्लेस यहाँ नहीं मिला मेरे को, लेकिन वाइफ प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट देयर एंड देन, बिकॉज वो आने के बाद एट हाउस आयुष, नाइन्थ हाउस लक, टेंथ हाउस प्रोफेशन, इलेवंथ हाउस प्रॉफिट, ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंडिचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल लाइफ में जो भी है सेकेंड इनिंग्स में स्टार्ट होता है बहुत सारे लोगों को। ये पूरा कुंडली अपने को बताता है, तो उसमें जहां जहां जिस तरह के प्लैनेट्स हैं उसके हिसाब से अपने को कितना योग में जाएंगे, कितना प्रोफेशन में सक्सेसफुल होंगे, कितना डाउनफॉल्स होते हैं, सब ट्रांजिट में अपने को मालूम होता है। इसी में क्या होता है स्टारफल, कस्टरफल, शटफल, ऐसे बहुत सारे ऑलमोस्ट आपको देखते हैं एक ही कुंडली, लेकिन 64 कुंडली ज्यादा है आदमी का, इसमें साइंटिफिक हम जो रिसर्च किए उसी के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जब जब क्या होता है कृष्णा लग भी रहता है, तो वो सब उसमें आपने जानकारी होता है, अगर डेट टाइम एंड प्लेस करते रहने से वी कैन एनालाइज एवरीथिंग सिस्टमेटिक में। ये क्या करता है आपके फ्यूचर में, आप जिस लाइन में जा रहे हैं वो लाइन सही है कि नहीं,
और कहां आप लाइफ टर्निंग करने गए हैं, किस तरह योग में आगे बढ़ने के हैं, आप कैसे हर्डल्स आते हैं, पहले जानकारी को किसी हम फेट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन प्लान फॉर योर फेट, फॉर योर डेस्टिनेशन। जिस जिसने भी जाने गया उसके लिए आप थोड़ा प्लान कर सकते हो, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, गेम, गोल, थीम, ये सब इन प्लान करके आगे बढ़ने से क्या होता है, जितना हार्डवर्क अभी आप कर रहे हैं वही हार्डवर्क को से और भी बेनिफिट ज्यादा मिलने के चांसेस है। साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन योर फ्यूचर फॉर योर डेवलपमेंट। साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी इट इज नॉट कोई बराबरी किया ऐसे नहीं, तो कोई कुछ मैजिक कर दिया ऐसा कुछ नहीं, इट्स अनफॉर्चुनेटली मेरा वो कनेक्टिंग ठीक नहीं हो रहा, लेकिन विद फिगर्स एंड एवरीथिंग आई विल शो यू एवरीथिंग हाउ इट इज कैलकुलेटिंग, वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर एजुकेटिंग द पीपल हु आर देयर। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, कौन सा प्लैनेट आपको सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट देने वाला प्लैनेट का कितना स्ट्रेंथ आपके पास है, अगर वो वीक हो गया तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम जिम्स का सपोर्ट ले रहे हैं खासकर, जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में आने के लिए, जैसा कि आपको बहुत सारे लोग यहाँ जिम्स पहना हुआ है और देखता हूँ बहुत सारे लोग तो उसका विश्वास भी करते हैं, तो उसमें कितना कैरेट्स का पहनना, कितना स्ट्रेंथ पॉजिटिव लेना, ये सब हम एस्ट्रोलॉजी के लिए हम बताते हैं, साइंटिफिकली उसको कैलकुलेट करके बताते हैं। अगर आप ऐसे पहनने से क्या होता है, सन का जो पॉजिटिव एनर्जी होता है साइंटिफिकली, वो एनर्जी क्या होता है जिम्स के ऊपर गिर के वो पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में जाता है। जैसे आप देख लीजिए सन का लाइट, अभी साइंस में भी बताते हैं, पढ़े लेंगे सेकंड थर्ड क्लास में भी, लेंस लगाओ नीचे काले लगाओ जल जाता है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट, उसी तरह ये पॉजिटिव एनर्जी तो सन का आता है, जो सोर्स मैंने पहना है उसके ऊपर गिरना ये लाइट कुछ आता है वो क्या है, तो अनदर पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में आता है। इसलिए क्या होता है, सोच विचार में फर्क आ जाता है, एंड आपके सोच विचार में फर्क आता है, थिंकिंग में फर्क आता है। उसी तरह जो नाइन प्लैनेट्स है, अभी मून है, मन के बारे में बताता है, और रवि है अपना स्टेटस के बारे में बोलता है, और अपना मंगल है आपका डायनेमिक मूवमेंट्स देने के लिए सपोर्ट देता है, उसी तरह राहु है माया करने के लिए, मैजिक करने के, मतलब अट्रैक्शन देने के लिए माया राहु काम करता है। उसी तरह हम देखें तो शनि है पब्लिक रिलेशन डेवलप करता है, फाइनेंस प्रोटेक्शन अच्छा करता है, उसे गुरु ज्ञान देता है, उसे शुक्र भोग देता है, केतु कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है लोगों में। इसी तरह हर प्लैनेट जो है ना अपने लिए पॉजिटिव देता है, लेट अस थिंक इन पॉजिटिव, जैसे आप लोग इधर आए कुछ पॉजिटिव थिंकिंग करने लाए हैं, वैसे प्लैनेट जो है एस्ट्रोलॉजी में वो तो पॉजिटिव करते रहेंगे, लेकिन जहां जहां रहता है वो प्लैनेट उसके हिसाब से थोड़ा उनका जीवन भी करते हैं, नहीं जो भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन लेट अस थिंक इन अ पॉजिटिव वे एस्ट्रोलॉजी आल्सो, टेक द सपोर्ट ऑफ योर एस्ट्रोलॉजर्स दैट गिव्स अ मोर स्ट्रेंथ पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू, सो दैट यू कैन रीच योर गोल वेरी फास्टली इजिली, and your themes and goals, everything will be success, you will be a successful man, and ultimately Ketu aisa cheez hai apne ko moksha marg mein batata hai, the aim, goal, everything Ketu batata hai, isliye kya aap sab log hum bata raha hu bas ek minute mein close kar denge, zyada time nahi hai, to it's not a blind belief astrology is a science, so how you are leading your life, along with that you take a doctor's help, when you are not well you have a headache you take a tablet and go away, ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना हेड एक के लिए टैबलेट ले लेते हैं, सोनो पेगर टैबलेट ले लेते हैं, फिर आगे अपना काम जैसे कर लेते हैं, उसे कभी भी आप हर्डल जैसे लगे अपनी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजर का सपोर्ट ले लीजिए, आगे कैसे बढ़ना पूछ लीजिए, इट विल गाइड यू नाइसली, देन यू सक्सेसफुल विल बी। थैंक यू फॉर एवरीवन।